आप सभी को त्रिएक परमेश्वर की ओर से जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी परमेश्वर में आनंदित हैं। मैं यीशु ही मार्ग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज हमसे बातचीत करेगा। आइए हम एक क्षण प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। पिता, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें, आपकी जो इच्छा है हमारे जीवन में वो पूरी होने पाए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज का हमारा टॉपिक है आज्ञा का पालन करना। प्रिय दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हमने परमेश्वर की आज्ञा का अगर पालन किया है तो परमेश्वर हमें महान करेगा। हम महान हों इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर महान है इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। आइए हम वचन में जाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी दूसरी आयत से। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर ने इसमें अब्राहम को एक आज्ञा दी कि तू अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को वहां पर लेकर जा, उस पहाड़ पर लेकर जा, और तू वहां पर उसको क्या करना, होम बलि करना। क्या अब्राहम के लिए उसका पुत्र प्रिय नहीं था? वो उसके वायदे का पुत्र था। परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे विश्वासियों का पिता ठहराऊंगा। जब परमेश्वर ने उसको विश्वासियों का पिता ठहराने के लिए वचन दिया, तो परमेश्वर उसको यहाँ पर क्यों कह रहा है कि मैं तेरे इकलौते पुत्र के विषय में तुझसे ये कहता हूँ। हाँ, परमेश्वर ने उससे इकलौते पुत्र के विषय में कहा कि तू उसको उस देश में लेके जा, उस पहाड़ पर लेके जा, और तू उसको वहाँ पर होम बलि करके चढ़ाना। अब्राहम को उस समय तक कुछ भी नहीं पता था। अब्राहम ने केवल परमेश्वर की आज्ञा को सुना। परमेश्वर ने केवल और केवल अब्राहम ने केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा को देखा और उसने अपने पुत्र की परवाह ना करते हुए, ये नहीं कि अब्राहम अपने पुत्र से प्रेम नहीं करता था, बल्कि उसने परमेश्वर की इच्छा को पहला और आखिरी स्थान परमेश्वर की ही इच्छा को दिया था। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को वहाँ पर लेकर गया। उसने लकड़ी गधे पर बांधी और अपने दो दासों को संग लेकर के उस देश में चला गया। और जब हम आगे की बातों को देखते हैं वचन में, तो वचन में हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि जब वो वहाँ पर गया, उसके पुत्र ने पूछा कि पिता, यहाँ पर होम बलि के लिए तो बलि है ही नहीं। तो प्यारे बहन भाइयों, आगे की कहानी को आप जानते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ पर एक मेमने का इंतज़ाम किया जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। पर परमेश्वर ने केवल और केवल पर अब्राहम की उस विश्वास को देखा। परमेश्वर ने उसको उसकी एक परीक्षा की। परमेश्वर ने अब्राहम के आज्ञाकारी होने को देखा और परमेश्वर उससे क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। हमने अब्राहम की आज्ञाकारिता को इसमें देखा कि उसने अपने पुत्र की परवाह ना करते हुए, उसकी पत्नी भी उससे 10 सवाल कर सकती थी, परंतु उसने सब बातों को छोड़ करके उसने केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और जब वो आज्ञा का पालन उसने पूरा किया, तो परमेश्वर ने उसको उसका पुत्र भी दिया और उसको महान भी किया। प्यारे बहन भाइयों, आज हमारे जीवन से भी परमेश्वर वही चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। आज हम परमेश्वर की आज्ञा को कितना पूरा कर रहे हैं? परमेश्वर आज हमें कितनी सारी बातों की आज्ञा देता है, पर क्या आज हम परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं? आज अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपने जीवनों में झांकने की ज़रूरत है। आगे हम एक वचन को और पढ़ेंगे। हम पहले अब्राहम के बारे में देख रहे थे, अब हम और किसी के बारे में नहीं, बल्कि यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, जो खुद परमेश्वर था, जिसके अधिकार में सब कुछ था। उसने मनुष्य का रूप धारण किया और उसने मनुष्य को ही किस रीति से जीना चाहिए, किस रीति से उसको आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो यीशु मसीह ने हमें जी करके दिखाया। हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत से। हम पढ़ेंगे,
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। प्यारे बहन भाइयों, हमने वचन में अभी पढ़ा कि यीशु मसीह ने अपने आप को इस तरह से दीन किया, इस तरह से उसने अपने आप को दीन किया कि उसने पिता की उस आज्ञा का पालन किया कि उसने क्रूस की मृत्यु, जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मृत्यु थी, उसने वो क्या की, सह ली, ताकि आज हम लोग बचाए जाएं। यीशु मसीह ने हमारे एक किस तरीके से हमें जीना चाहिए, यीशु मसीह ने हमें जी के दिखाया कि हमें किस रीति से आज्ञाकारी होने चाहिए। अगर शुरू में ही, अगर अदन की वाटिका में ही आज्ञा का पालन होता रहता तो क्या आज दुनिया में पाप आता? अगर आदम और हवा दोनों ही परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते कि तुम उस फल को ना खाना, तो क्या आज पाप आता? नहीं आता। परंतु आदम और हवा ने क्या किया, उस आज्ञा को पूरा नहीं किया। उन्होंने अनाज्ञाकारिता वहाँ पर दिखाई और पाप आया। उन्होंने अनाज्ञाकारिता दिखाई, इसलिए आज यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर मरना पड़ा। और हमारे लिए किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से हमें आज्ञाकारी बनना चाहिए, यीशु मसीह ने हमें जी के दिखाया। पुराने नियम में अब्राहम ने हमें जी के दिखाया कि वो किस रीति से आज्ञाकारी बना। आगे और भी लोग आज्ञाकारिता दिखा सकते थे, परंतु आगे फिर से पाप आया। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने किसी और को नहीं बल्कि अपने इकलौते पुत्र को, ये परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को भेजा और उसने हमें आज्ञाकारी किस तरीके से होते हैं हमें जी कर दिखाया। प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, परमेश्वर आज मेरे जीवन से चाहता है कि हम भी आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों में आज्ञा देता है कि तुम यहाँ पर जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम प्रार्थना में समय बिताओ, तुम्हें और किसी बात की चिंता नहीं करनी। अगर परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी, तो हम उसका उल्टा करते हैं, हम चिंता करते हैं। अगर परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम वहाँ सेवा के लिए जाओ, तो हम अपने कम्फर्ट के हिसाब से देखते हैं कि हमें कहाँ कम्फर्टेबल फील हो रहा है, हम वहाँ सेवा करते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं, बल्कि हम अपनी ही इच्छा को पूरा करते हैं। परंतु आज हम ऐसा ना करें, आज अपने मन में प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी अब्राहम के समान आज्ञाकारी बना, प्रभु आज हमें भी यीशु मसीह के समान आज्ञाकारिता बना। हाँ, हमसे बहुत बार गलतियां होती हैं, परंतु पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो यीशु मसीह ने हमारे सहायक के रूप में हमें दिया है, वो हमें यीशु मसीह की तरह, अब्राहम के समान, वही हमें पिता की आज्ञा को किस रीति से पूरा करना है वो हमें सिखाएगा। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष दें। मैं विश्वास करती हूँ कि इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु ने आप सबसे बातचीत की है। सभी को जय मसीह की। से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि जो बातें परमेश्वर ने आपसे की हैं, जो बातें, जिन बातों के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी है, वो आशीषें औरों को भी मिले, वो बातें परमेश्वर की औरों तक भी पहुँच सके। इसलिए आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें या ना करें कोई बात नहीं, पर शेयर ज़रूर करें। इसलिए शेयर करें ताकि प्रभु उन सभी को आशीष दे, उन सभी से बातचीत करें। हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि प्रभु हमसे जो बातें कर रहा है, प्रभु आगे भी लोगों से बातें करें, और आज केवल हम ही नहीं बल्कि और लोग भी परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें। आप सभी को जय मसीह की।